अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहे दिल से दुआ है। आज मैं अपनी सहरी जो है रूटीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया है, तो मैं इसमें आलू डालूँगा जो फ्राई करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे तहे दिल से आप सबको दुआ है, खुश रहो, आबाद रहो। साथ साथ मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगा। अगर मेरी रूटीन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आज की रूटीन कैसी लगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे तहे दिल से दुआ है आप सबको। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है। मैंने इसमें बहुत सारे ऑयल में मुझे फ्राई करने हैं, क्योंकि बहुत जो ऑयल होता है उसमें ये फ्राई होते हैं और ये कड़क नहीं होते हैं, सिर्फ जो है ना सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा मेरी तरह से। अब मैं आटे की गोलते की तैयारी करूँगा। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया और इसमें तकरीबन ऑयल 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। मैंने ऑयल को मिक्स कर दिया आटे में, तो चलिए इसको गूंथ लेते हैं आटे को। ये आप इसको नरम और सॉफ्ट इसको गूंथिएगा तो आटे को, तो बहुत ही ये पराठे हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अच्छे फुले फुले बनते हैं पराठे और अंदर से नरम पक भी जाते हैं, बहुत ही नरम बनते हैं, पक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा गूंथ लिया है और इसको साइड पे रखते हैं रेस्ट करने के लिए, फिर और चीज़ें बनाते हैं। अब मैं बनाऊंगा अंडे और इसमें मैंने डाल दिया 1 हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया और टमाटर, आधा टमाटर मैंने इसमें डाल दिया और ब्लैक पेपर जो है मैंने थोड़ा सा डाल दिया चुटकी भर और नमक हसबे ज़ायका चुटकी भर। तो चलिए इसको तो हम बहुत ही ये टेस्टी और यमी बनता है टमाटर वाला अंडा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आज घर में हुई फरमाइश तो अंडा बन रहा है। मैं फ्राई पैन में अंडे को फ्राई नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ही फ्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल ही है, मैंने ऑयल चेंज नहीं किया है, इसमें ही डाल देंगे। पक गया और अभी दूसरा ऐड करेंगे। चलिए तो अब इसको उतार लेते हैं चूल्हे से, ये दोनों साइड से पक गया है। अब मैं बनाऊंगा पराठे। तवा हमारा गरम हो गया है, पहले मैंने
उसको रख दिया था तवे को, तवा हमारा गरम हो गया है, मैंने ऑयल थोड़ा सा छिड़क दिया था। अब हम पराठा डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पराठा वो बिल्कुल पक के रेडी है, बहुत ही यमी बना है और नरम ही नरम सॉफ्ट बना है हमारा पराठा, बहुत ही अच्छा लजीज। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूल्हे पे चाय रख दी है, मैंने तकरीबन आधा किलो मैंने दूध लिया था, दूध पत्ती चाय। अब एक इसमें इलायची डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूध पत्ती चाय बनेगी इंशाल्लाह। जब तक इसमें उबाल नहीं आता तो इसमें चीनी और पत्ती ऐड नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय में उबाल आ गया है, तो अब इसमें चीनी और पत्ती ऐड करेंगे। दोस्तों अगर मेरी आज की रूटीन सहरी रूटीन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी रूटीन कैसी लगी आप लोगों को, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जो है प्लीज़ पूरी वॉच करना प्लीज़ दोस्तों। और यहाँ पे जो रात की बिरयानी थी वो बच गई थी, तो मैंने इसमें गरम करके यहाँ पे सर्व कर दिया है। और अगर आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन।